मैं जानता हूं बच्चा तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोच रहे हो ना कि बाबा में अगर शक्ति है तो बाबा इसे प्रकट क्यों नहीं करते। तुम ये भी सोच रहे हो कि ये दुनिया झूठे मक्कार और पाखंडी लोगों से क्यों भरी हुई है। काश कि इस दुनिया में कोई चमत्कार होता और इस दुनिया के सारे लोग सच बोलने लगते। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सच कहा बाबा, बिल्कुल सच कहा आपने। बाबा बाबा आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं। मैं ही कितना बड़ा पापी हूं जो आपकी योग्यता पर शक कर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, इस दुनिया के बाजार में अगर खोटे सिक्के हैं तो सच्चे भी, बस देखने और परखने वालों की नजर चाहिए। धन्य हो बाबा, धन्य हो। तो तुम ये चाहते हो ना कि इस दुनिया के सारे लोग सच बोलें, झूठ और पाखंड से दूर रहें? क्या ऐसा संभव है बाबा? बच्चा मैं तेरी इस मंगल भावना की कद्र करता हूं। इस पूरी दुनिया के लोग सत्य बोलें यह चमत्कार तो स्वयं ऊपर वाले भी नहीं कर सके। इसके कई कारण हैं जो तुझे बाद में समझ में आ जाएंगे, पर मैं ऐसा करता हूं, मैं तुझे एक सिंहासन देता हूं। सिंहासन? सिंहासन लेकर मैं क्या करूंगा बाबा? मुझे कोई राजा महाराजा थोड़ी बनना है। घबरा मत बच्चा, यह कोई मामूली सिंहासन नहीं है। तुमने राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में तो सुना होगा, जो एक टीले के नीचे दबा पड़ा था और उस टीले के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठता था वो न्याय करने लग जाता था। हाँ बाबा, ये बातें मैंने पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं। मगर बाबा बाबा मेरी इच्छा तो यह है कि पूरी दुनिया के लोग हमेशा सच बोलें। मैं तेरी उसी इच्छा, सच बोलने की इच्छा को तो पूरी कर रहा हूं। ले ये सिंहासन, इस राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा वो सत्य बोलेगा। ये तेरी उसी इच्छा, सत्य बोलने की इच्छा को पूरी करेगा। धन्य हो बाबा।